वेलकम एक दोस्तों, यहाँ पे आज की इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे फुल रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही साथ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रेडमी K40 का, जो कि इंडिया में सब ब्रांड होकर आने वाला है पोको का, जहाँ पे आपको पोको के साथ इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, जहाँ पे इसका नाम होने वाला है पोको F3 GT। दोस्तों चलिए सिंपली शुरू करता हूँ आज के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका दोस्त आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिहुल स्टेक पर। दोस्तों एक छोटी सी फास्ट क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टॉप साइड में जो बॉक्स ओपन करते हैं मिल जाता है एक केस, जिसके अंदर आपको मिल जाता है सिम कार्ड, इजेक्टर टूल और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन और केस मिल जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट केस है और अच्छी थोड़ी गुड क्वालिटी का केस है। दोस्तों अब बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर आपको मिल जाता है फोन, जो कि रैप है पेपर के अंदर, एक प्लास्टिक पेपर के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाता है USB Type-A to C का केबल, जो कि थोड़ा सा यूनिक और अलग दिखाई देता है, साइड माउंटेड है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मिल जाता है 67 वाट का आपको मिल जाता है सुपर डार्ट और फास्ट चार्ज, जहाँ पे आपको ना मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है जो फोन बहुत ही अच्छा लुक दिखाई देता है। और साथ में हम बात करें जब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, दोस्तों यहाँ पे आपको जो डिजाइन है बहुत ही अच्छी दिख जाती है। बैक साइड में आपको मिल जाएगा एकदम प्लेन सा ग्लास बॉडी की प्रोटेक्शन के साथ साथ, यहाँ पे दोस्तों आपको ना जो लुक दिखाई देगा बहुत ही अच्छा प्रीमियम दिखाई देता है। और साथ में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई फाइटिंग, और साथ ही साथ अगर कैमरा के पास देखेंगे तो आपको फ्रीजिंग और स्पीडीएस्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, और फ्लैश की साइन बनी हुई रहेगी दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपको रेडमी की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा फोन, अगर पोको का बन के आएगा ब्रांडिंग तो यहाँ पे आपको पोको लिखा हुआ दिखाई देगा। मेरे ख्याल से इंडिया का जब ब्रांड बन के आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया जाएगा। ग्लास बॉडी के साथ इसके वेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इसका वेट बन जाता है कुछ 208 ग्राम्स का। दोस्तों अगर बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो यहाँ पे आपको सारे रिक्वायर्ड पोर्ट्स एंड बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों डाउन साइड में मिल जाता है चार्जिंग स्लॉट, और यहाँ पे मिल जाता है सिम कार्ड ट्रे, और यहाँ पे मिल जाता है JBL का स्पीकर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक माइक, और यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर बटन, जिसमें आप अप एंड डाउन कर सकते हैं वॉल्यूम को। और यहाँ पे थोड़ी सी अलग डिजाइन दिख जाती है, स्लाइटली गुड है जो कि। और दोस्तों हम बात करें टॉप साइड की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है JBL का स्पीकर, यहाँ पे NFC का सपोर्ट के साथ साथ मिल जाता है आयर ब्लास्ट। और यहाँ राइट साइड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन, जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप साइड माउंटेड के लिए। और यहाँ पे ना फिजिकल दो पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको, बटन्स मिल जाते हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप ट्रिगर के लिए गेमिंग के साथ साथ। यहाँ पे आपको जो पुश करने के बाद ऑन ऑफ होते हैं, जैसे कि बाहर आते हैं अप एंड डाउन चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ना बहुत ही अच्छे से ना ये हैंडल होते हैं और स्टेबलाइज है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं एक्यूरेटली। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की, जो बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिसको पावर ऑन ऑफ बटन के साथ ही लगा दिया गया। और यहाँ पे बात करें सिम कार्ड ट्रे शॉट की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे। दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है 6.67 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे HDR सपोर्ट की, तो यहाँ पे HDR 10 सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस मिल जाती है 400 nits से भी ज़्यादा की ब्राइटनेस मिल जाती है, जहाँ पे आपको है ना फ्लैट बेजल वाले लेयर मिल जाती है, जिसकी वजह से आप इस फोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक दिया गया है। रैम में स्टोरेज टाइप प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है रैम में आपको 8GB का बेस वेरिएंट LPDDR4X सपोर्ट, और यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी का 1200 प्रोसेसर यूज़ किया गया, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा तगड़ा प्रोसेसर है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप कॉल ऑफ ड्यूटी को अच्छी हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं, हाई गेमिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। और मीडियाटेक डायमेंसिटी को जाना जाता है गेमिंग के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जरा भी आपको लैग एंड लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही होगी, और स्टीरियो स्पीकर होने की वजह से आपको है ना जो आवाज़ आती है ना बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली 3.5 mm जैक की, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर है जो कि प्रोवाइड किया है आपको JBL ने। और यहाँ पे गेम लॉन्चर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बहुत से सपोर्ट मिल जाते हैं, जैसे कि D&D गेम लॉन्चर मिल जाता है, और बहुत से फीचर्स हैं इसके अंदर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें हम इसके बैटरी एंड कैपेसिटी चार्जर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5000mAh की बैटरी, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ साथ, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड दे देता है। और वायरलेस चार्जर तो यहाँ पे है ही सपोर्ट। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे हम इसके कैमरा की, तो यहाँ पे कैमरा आपको जो मिल जाएगा वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, जो वाइड एंगल कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है टेली मैक्रो कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छी फोटो देता है। और दोस्तों अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ है ना इमेजेस को शेयर किया, जिसको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और क्लियर इमेज देता है, और कलर भी है ना आपको बहुत ही ओरिजिनल दिखाई देते हैं, एकदम प्रीमियम लुक दिखाई देता है। और दोस्तों अगर बात करें सेंसर कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको सारे रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंसर कनेक्टिविटी मिल जाते हैं। यहाँ पे NFC के सपोर्ट के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, और फेस लॉक भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, जैसा कि देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के, तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, और ब्लूटूथ 5.2 के साथ साथ आपको
जाता है, डुअल 4G का सपोर्ट, वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भी मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों इस मोबाइल की प्राइसिंग करीबन आपको इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो 30,000 के आसपास मिल जाने वाली है पोको के ब्रांडिंग के साथ साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ऐसे मोर अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मोबाइल के वीडियोस और रिव्यू देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।